हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हाजिर हूं मैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो छोटा सा टॉपिक है, समय व्यतीत करते हुए काम शुरू करते हैं। आइए, तो वेक्टर टॉपिक ही है वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो वेक्टर की बेसिक जानकारियां होनी चाहिए हमारे पास, तो हम इस टॉपिक को बड़े आराम से समझ सकेंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं। जैसे मान लिया प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, ये रे ऑफ लाइट आई टकराई थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पर ही चली गई। क्लियर है? जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी, मान लो इसका है यूनिट वेक्टर ए कैप इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का है बी कैप, और नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है एन कैप। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन राइट है। ए कैप अदर है तो माइनस ए कैप उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, माइनस ए कैप हो जाएगा उल्टा। इसी डायग्राम को अगर ऐसे बनाऊं मैं वेक्टर के नजरिए से, तो उतनी उड़ने चाहिए भाई साहब। वेक्टर के नजरिए से ए कैप इधर है तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कैप। करेक्ट है, ये माइनस ए कैप, ये नॉर्मल तो है ही और ये बी कैप है ही, ये थीटा ये भी थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वारे वाह, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ए कैप इधर इंसिडेंट रे, इधर था यूनिट वेक्टर, माइनस ए कैप उल्टा होगा वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी कैप और माइनस ए कैप, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या बीच में से निकलेगा, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, एन कैप वाले ही है ना। तो पहले मैं पूछूं आपसे कि बी कैप माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालो। ध्यान से देखना, दो वेक्टर के रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा है ना। तो बी कैप माइनस ए कैप का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड वन ए स्क्वायर प्लस, इसका भी वन ही, माइनस से तो डायरेक्शन चेंज होता है ना, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड वन वन, टू इंटू वन इंटू वन, और कॉस थीटा, थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है टू थीटा, आ गया कॉस टू थीटा। ये क्या निकाला मैंने, बी कैप माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड कितनी आ गई बोली है, वन प्लस वन टू, टू कॉमन कर ले तो आ गया वन प्लस कॉस टू थीटा। कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, आराम से देखना। और वन प्लस कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, अपन फॉर्मूला है ना टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब टू थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला गणित वाला। टू टू कट गया, टू टू का फोर बाहर, कॉस स्क्वायर का कॉस बाहर, मतलब मैग्नीट्यूड कितनी आ गई टू कॉस थीटा, ये आ गई वैल्यू टू कॉस थीटा। बी कैप माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड टू कॉस थीटा। तो मेरे पास छोटा सा बोर्ड है, मुझे सारी चीजें वहीं पर लिखनी है, मुझे स्क्रीन पॉज करना पड़ेगा, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। बी कैप माइनस ए कैप की वैल्यू आ गई टू कॉस थीटा, तो आई एम होल्डिंग फॉर अ वाइल, जब तक आप इसे नोट कर लें या स्क्रीन पॉज करके सारा नोट कर लें। ये आगे भाई ठीक है, मैंने से क्या बराबर टू कॉस थीटा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं उसको। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की पड़ती है जरूरत, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। यस, एवरीबॉडी नोज इट। तो बी क्या माइनस ए क्या का मैग्नीट्यूड कितना, टू कॉस थीटा आपने निकाला, और डायरेक्शन कौन सा, इन दोनों का रिजल्टेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट बीच में से निकलता है ना, एंगल बाइसेक्टर। यस, बीच में से निकलेगा वो, तो मैग्नीट्यूड दे रहा, डायरेक्शन दे रहेगा, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप, ये लगा दिया एन कैप। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो ये डायरेक्शन किसका है, बी कैप माइनस ए कैप, जो रिजल्टेंट है बीच में से जाएगा, तो ये किसका डायरेक्शन है, नॉर्मल वाला, तो यूनिट वेक्टर भी कौन सा, नॉर्मल वाला। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इन दोनों की बात करें, हमने कभी पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, यानी फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट वाला। एक वेक्टर ले लो माइनस से, एक ले लो एन का, बी तो हमको चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म क्या है, ये ए और एन, एक वेक्टर लिया माइनस ए कैप, दूसरा लिया एन कैप। इसमें ए क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, माइनस ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कितनी होगी वन,
एन कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड वन, और माइनस ए और एन के बीच में एंगल, माइनस ए और एन के बीच में एंगल कितना है, थीटा, कॉस थीटा, मतलब यहां पर वॉल्यूम माइनस ए कैप डॉट एन कैप बराबर कॉस थीटा, ये मान लो सेकंड। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू उठा दो, फर्स्ट में रख दो, आ गया तुम्हारा आंसर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बी कैप माइनस ए कैप बराबर, ध्यान से देखना कोई कमाल की बात में कर ही नहीं रहा, बी कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू 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 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस ए डॉट एन, हाँ माइनस ए डॉट एन, ये कॉस थीटा की जगह मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, मल्टीप्लाइड बाय बाहर में एन कैप, ए कैप उधर कर दें तो आ गया बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस टू ए डॉट एन बाहर में एन, ये रटने का नहीं है भाई, यही की फॉर्मूला आप रट लें, इसे आपको बेसिकली लॉजिक के साथ निकालना है, सवाल में वेरिएशंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन कैसे वेक्टर फॉर्म का निकालना वो आपको सिखाया मैंने, पहले मैंने बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देख लिया, ये वाला मैग्नीट्यूड निकाला वेक्टर वाले फॉर्मूले से, डायरेक्शन तो नॉर्मल के लॉन्ग था ही, तो यूनिट वेक्टर भी नॉर्मल वाला, और दूसरा इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, इंसिडेंट वाले और नॉर्मल के यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो ये है रिलेशनशिप, बहुत से लोग इसको रटते भी है, रटने की कौन सी बात है, अगर प्रॉब्लम में वेरिएशन आई तो रटा हुआ सारा फेल हो जाएगा, तो ये बेसिक फॉर्मेट है, ये हमको आना चाहिए, और छोटा सा टॉपिक आया होगा आपको समझ में आया होगा, तो छोटे सेशन को मैं यहीं पर रोकता हूं, मिलूंगा अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।